हे गाइस एंड वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्फियन मास्टर्स को। इनको हमने देखा पावर रेंजर डाइनो फ्यूरी के एपिसोड 1 में, जहां हमें पता चला कि इन्होंने ही पावर रेंजर्स को पावर दी हैं। साथ ही पावर रेंजर्स की सारी पावर इन्हीं से आती है। तो चलिए आज की वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने पावर रेंजर डाइनो फ्यूरी के एपिसोड 1 में देखा, जब हमारी रेड रेंजर का प्लैनेट तबाह हो जाता है तो उसके बाद स्पॉट्स अर्थ पर हमला कर देते हैं। तो हमारे रेड रेंजर के होम प्लैनेट के लोग सोचते हैं कि अब उन्हें अपने प्लैनेट को तो नहीं बचा पाए, लेकिन वो अर्थ को जरूर बचाएंगे। और वो मिलकर लड़ते हैं डायनासोर्स के साथ और अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो स्पॉट्स होते हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हमारे रेड रेंजर के होम प्लैनेट के वॉरियर्स और हमारे डायनासोर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। और हमारे रेंजर्स की टीम और डायनासोर्स वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। इसके बाद एंट्री होती है मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी कि हमारे मॉर्फियन मास्टर्स की। अब इनके बारे में बात करें तो यही होते हैं जो अपीयर होते हैं और हमारे वॉरियर्स को पावर देते हैं पावर रेंजर्स की। साथ ही हमें देखने को मिला कि ये हमारे डायनासोर्स को जॉर्ड्स में बदल देते हैं, जो कि हमारे पावर रेंजर्स की आगे चलकर मदद करेंगे। अब मॉर्फियन मास्टर से पावर्स पाने के बाद हमारे पावर रेंजर इन स्पॉट्स को हरा देते हैं और इनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये मॉर्फियन मास्टर हैं कौन और इनकी पावर्स क्या हैं, तो इसी को अब डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो अगर बात करें तो हमें पावर रेंजर माइटी मॉर्फियन में भी देखने को मिले हैं, जहां जॉर्डन ने इनका जिक्र किया था। अगर आपको याद हो तो हमने इनको देखा है माइटी मॉर्फियन में भी। इन्हें हमने देखा था सीजन 1 के एपिसोड 7 में। अगर बात करें तो ये पावर रेंजर यूनिवर्स में कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनके पास बहुत ही कमाल की मिस्टिकल एबिलिटीज हैं। और पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फियन के सीजन 1 के बाद हमें मॉर्फियन मास्टर का कहीं जिक्र नहीं मिला, लेकिन इनका जिक्र हमें मिला 2018 में कॉमिक्स में। यहाँ हमने नोटिस किया कि इनके पास बहुत ही कमाल की पावर्स हैं। और अगर बात करें तो ये अलग अलग पावर रेंजर्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ हमने देखा कि इनका आधा पार्ट माइटी मॉर्फियन जैसा है तो आधा किसी और रेंजर्स की तरह। मीन्स इनके पास बहुत ही कमाल की पावर्स थी जिनसे ये अपने आप को अलग अलग पावर रेंजर्स में ट्रांसफॉर्म कर पा रहे थे। अब अगर बात करें इनकी पावर्स की तो हमने एक अगली कॉमिक में कुछ ऐसा देखा था। हमें एक स्टार मिलता है जहाँ एक प्लैनेट होता है और उस प्लैनेट में बहुत सारे जियो क्रिस्टल्स होते हैं। अब हमें पता है जियो क्रिस्टल्स कितने खतरनाक होते हैं और उनकी पावर्स कितनी ज़्यादा होती है। फिर हमारे मॉर्फियन मास्टर ये सोचते हैं कि कहीं ये किसी ईविल के हाथ ना पड़ जाए और वो इनकी पावर्स का गलत उपयोग ना करे, तो वो अपनी पावर्स से इस प्लैनेट और स्टार को यूनिवर्स से अलग काट कर रख देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। साथ ही अगर बात करें तो लोगों का मानना ये है कि ये पावर रेंजर यूनिवर्स में गॉड लाइक बीइंग्स हैं जो गॉड्स की जितनी पावर्स रखते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बात पर हमें कमेंट कर जरूर बताना। बाकी इनके बारे में हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं इनको आगे भी देखना चाहूँगा, इनकी पावर्स को एक्सप्लोर करना चाहूँगा। शायद हमें डाइनो फ्यूरी के अगले एपिसोड्स में इनके बारे में कुछ और ज़्यादा पता लगे, और मैं चाहूँगा कि हमें इनके बारे में अगले एपिसोड्स में और ज़्यादा डिटेल में बताएं। और साथ ही इनका अपीयरेंस होना चाहिए ताकि हम रेंजर्स फैंस को पता चल सके कि इनकी असली पावर्स क्या हैं और ये कहाँ से आए, मतलब एक्यूरेट हमें इन चीज़ों के बारे में क्या पता आगे पता चल जाए। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज़ कॉमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।